by my channel right now. So in this video I'm gonna tell you how to remove dark circles at home naturally. सबसे पहले तो जो मैं आपको टिप्स बताने वाली हूँ कि डार्क सर्कल्स होने के रीजन्स क्या क्या है और उसको हम कैसे कम कर सकते हैं या उनसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, उसके लिए आप लोग ना एक काम कीजिए, एक डायरी ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए और जल्दी से जो जो मैं आपको टिप्स बताऊंगी वो सब आपको नोट डाउन करना है. और ये वाली जो वीडियो है ना, सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं है, बॉयज़ के लिए भी है, क्योंकि डार्क सर्कल्स तो किसी को भी हो सकते हैं ना. और वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि ये वीडियो आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी सिस्टर, आपकी मदर, आपकी वाइफ, किसी के लिए भी यूजफुल हो सकती है. तो वीडियो को एंड तक देखना और जल्दी से एक डायरी और पेन ले लीजिए, लिखना स्टार्ट करिए. सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ द कॉजेज ऑफ डार्क सर्कल्स. डार्क सर्कल्स होने के बहुत सारे रीजन्स हैं, बट मेन जो है ना रीजन वो मैं आपको बताने वाली हूँ. तो सबसे पहले जो रीज़न है डार्क सर्कल का होना, आप अगर 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लेते हो ना, और अगर आप आगे भी ये नहीं करने वाले हो फॉलो, तो आप इस वीडियो को यहीं बंद कर दीजिए. आपको मेरे रूल्स मानने पड़ेंगे, मेरी बातें माननी पड़ेगी, नॉट रूल्स, मेरी बातें माननी पड़ेगी जो मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि इससे बेनिफिट आपको होगा, मुझे नहीं. तो अब मैं ये डिटेल में बात करने वाली हूँ कि कैसे होता है और इनको किस तरह से रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है या बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए या आने से पहले ही इन्हें रोक लिया जाए. कुछ रीजन्स हैं डार्क सर्कल्स होने के. सबसे पहले जो है लैक ऑफ स्लीप. जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप 7 से 8 घंटे नहीं सोते तो सोना स्टार्ट कर दीजिए जल्दी से. सबसे ज्यादा रीजन है डार्क सर्कल होने का, हम लोग क्या करते हैं ना, ऑलरेडी हम लोग थके आए हुए होते हैं ऑफिस से या किसी न किसी काम से या घर के काम से, फिर भी हमें सोने से पहले फोन चलाना है और फोन चलाने की वजह से ना हम अपनी शक्ल की बैंड बजा रहे होते हैं. डार्क सर्कल को रोकने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन को थोड़ा सा ब्रेक दीजिए और पूरी 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए. सेकंड जो रीजन है ओवर स्लीप. जी हाँ, ओवर स्लीप से भी डार्क सर्कल होते हैं. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप सो रहे हो और सोते ही रहो पूरे दिन भर, तो वो भी एक रीजन है डार्क सर्कल होने का. तो वो भी नहीं करना है, हमें 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है. इतनी सारी नींद से भी आपकी डार्क सर्कल हो सकती है, ठीक है. थर्ड जो रीजन है एजिंग प्रॉब्लम. जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, तो डार्क सर्कल होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा जो हमारी स्किन होती है और हमारा जो कोलेजन होता है वो थिन होता जाता है, बहुत ही पतला होता जाता है, जिसकी वजह से डार्क सर्कल आने लग जाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट जो रीजन है डार्क सर्कल होने का वो है हम एक ही चीज को अगर कंटिन्यूसली देखते रहते हैं, जैसे कि टीवी, कंप्यूटर, फोन, या हम किसी भी रिंग लाइट के आगे कोई भी ऐसी जो हार्म करती है हमारी आईज को, हमारी स्किन को, उसके आगे हम बहुत ज़्यादा देर तक उसे देखते रहते हैं, लगातार देखते रहते हैं, तो वो भी एक रीज़न है आपकी डार्क सर्कल होने का. तो ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट रीज़न है डिहाइड्रेशन. अगर आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट नहीं करते हो पूरी तरह से, तो आपको डिहाइड्रेट होगा, जिसकी वजह से आपको डार्क सर्कल्स होंगे. जी हाँ, तो हमें कम से कम 1 से 2 लीटर पानी पीना ही पीना है. तो ये भी आपको रूल फॉलो करना है, डार्क सर्कल को भगाना है, ये रूल को फॉलो करना है, ठीक है. सिंपल डिहाइड्रेशन के लिए, व्हेन योर बॉडी इज नॉट गेटिंग प्रॉपर वाटर ना, तो आपकी स्किन जो है डल होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें डार्क सर्कल हो जाते हैं. तो हमें वो नहीं चाहिए. प्रॉपर आप लोग एक टाइम बना लीजिए, हर आधे घंटे या 1 घंटे में पानी पीना स्टार्ट कीजिए. और मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली हम जो पानी पीते हैं ना बॉटल से, हमसे ज़्यादा नहीं पिया जाता है. ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ. तो अगर आप लोग ट्राई करके देखते हो कि आप कांच के ग्लास में अगर आप पानी पीते हो तो आपसे ज़्यादा पिया जाएगा, या फिर आप स्ट्रॉ से पानी पियेंगे तो भी आप ज़्यादा पी पाओगे, लेकिन अगर आप बॉटल से पी रहे हो तो मुझे लगता है कि उससे हम ज़्यादा पानी नहीं पी पाते. नेक्स्ट जो रीज़न है सन एक्सपोजर. जी हाँ, अगर हम सन में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज होते हैं तो जो भी उसकी किरणें आती हैं जो हमारे स्किन को हार्म करती है, जो हमारे स्किन में जितना भी हाइड्रेशन होता है उसको डिहाइड्रेट कर देती है, तो वो भी एक रीज़न है. नेक्स्ट रीज़न है जेनेटिक प्रॉब्लम. किसी किसी का ये जेनेटिकली चलता है, उनकी मॉम को, डैड को, या ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, उनको किसी को होता है, तो वो बाय बर्थ ही हमें विरासत में मिलता है डार्क सर्कल की जो प्रॉब्लम है. अभी तक हमने बात कर ली कि क्या क्या रीजंस की वजह से डार्क सर्कल्स होते हैं, और अब हम बात करने वाले हैं कि इन सबके ट्रीटमेंट क्या है भाई. तो लिख लीजिए जो मैं बोलने वाली हूँ.
पहले तो जो लोग कम सोते हैं उनके लिए तो यही एडवाइस है, गेट एक्स्ट्रा स्लीप. ओके, प्रॉपर 7 to 8 hours की स्लीप आपको करना ही करना है. ये ट्रीटमेंट है उन लोगों के लिए. सेकंड, जो लोग पानी नहीं पीते हैं, बहुत कम पानी पीते हैं, उनको मैं ये कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, अपने डार्क सर्कल को बढ़ाइए. ठीक है. थर्ड, जो मैंने बताया एजिंग की प्रॉब्लम है, तो हमें क्या करना है कि कुछ लोग अपनी स्किन को लेके वरीड ही नहीं होते हैं, मतलब उन्हें कुछ करना ही नहीं होता है क्योंकि वो इतने लेजी होते हैं, उन्हें लगता है कि भाई हम ये करेंगे हमारे 10 से 15 मिनट वेस्ट होंगे. भले उन्हें कुछ करना नहीं होता है, वो सिर्फ लेटे रहेंगे, लेकिन उन्हें करना नहीं क्योंकि वो आलसी होते हैं. लेकिन उन्हें साथ में भगाने भी होते हैं अपने डार्क सर्कल्स, पर कदम कुछ नहीं उठाना है, स्टेप कुछ नहीं लेना है. तो उन लोगों को मैं बोलूँगी थोड़ा सा लेजीनेस को साइड कीजिए और जो मैं ट्रीटमेंट बताने वाली हूँ उन्हें तो आप फॉलो कर लीजिए, वरना डार्क सर्कल्स को नहीं जाने वाले. और सबसे अच्छा आइडिया मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास आइस क्यूब है ना, तो आप सुबह और शाम दो टाइम, और अभी तो समर्स भी है, विंटर्स भी नहीं आई है, तो पहले तो आप ये कर लीजिए 2 times बिफोर बेड, ठीक है, नाइट में, और मॉर्निंग में उठने के बाद अपनी आइस पे आइस क्यूब रब कीजिए. सबसे बेस्ट ऑप्शन है आइस क्यूब. अगर आप डेली, और मैं पहले तो आपको ये बता दूँ, कोई भी स्किन से रिलेटेड अगर हमें प्रॉब्लम होती है ना, तो आप ये मत सोचिए कि आपको वो लोग झूठ बोलते होंगे जो लोग आपको ये बोलते होंगे कि 1 हफ्ते में या 2 दिन में इंस्टेंट आपको रिलीफ मिलता है. नहीं, स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो कम से कम 1.5 से 3 महीने तो लेती लेती है आपकी स्किन ठीक होने में. स्किन की जो भी प्रॉब्लम है 1.5 से 3 महीने वो लेती लेती है. वैसे मैं ये कम ही बोल रही हूँ, 6 months आपको डॉक्टर के पास, अगर आप डॉक्टर के पास भी जाते हो ना, आप कोई भी ट्रीटमेंट के लिए जाते हो स्किन से रिलेटेड, तो वो आपको कम से कम बोलेगा कि 6 महीने का पेशेंस लीजिए, तभी ये प्रॉब्लम सही होगी. मैं तो फिर भी आपको ये बोलूँ 1.5 से 3 महीने कंटिन्यूसली आपको फॉलो करने, जो स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, आपको तब जाके थोड़ा रिजल्ट दिखेगा. आइस क्यूब को रब करना है आपको 2 times. बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, सबके घर में मिल जाती है, ठीक है, तो ये जरूर फॉलो कर लीजिए. तो नेक्स्ट जो मैं बताने वाली हूँ वो आइस टी बैग है. तो आप कोई भी टी बैग ले लीजिए, उसको आपके लिए आप पानी गर्म कीजिए, उस टी बैग को थोड़ी देर उसमें रखिए 5 मिनट के लिए, उसके बाद उसे निकाल के अपने फ्रिजर में रख दीजिए, उसको ठंडा होने दीजिए. जब वो पूरी तरह से ठंडा हो जाए 1 घंटे बाद, उसको अपनी आइस पे अप्लाई करें. आप इतना रिलीफ फील करोगे, बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करोगे. सेकेंड, आपकी आइस का जो डार्क सर्कल है, सेकेंड जो आपका डार्क सर्कल्स है वो कम होंगे. जी हाँ, आइस टी बैग अगर आप रेगुलरली अपनी आइस पे लगाते हो तो आपके डार्क सर्कल धीरे धीरे अपने आप ही कम होना स्टार्ट कर देंगे. आइस टी बैग लगाने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो मैं यहाँ पे पिक्चर अपलोड कर दूंगी, और आप देख सकते हैं कितने सारे इसके बेनिफिट्स हैं, तो आप इसे फॉलो कर लीजिए जल्दी से. नेक्स्ट जो है वो है कुकुम्बर. आप कुकुम्बर का एक स्लाइस कट कीजिए, उसको फ्रिज में रख दीजिए, थोड़ी देर ठंडा हो जाए, उसको निकालिए और अपने आइस पे, दोनों आइस पे लगा के आराम से चिल करो, लेट जाओ आंखें बंद करके. देखो इसमें आपको साथ साथ जो लोग लेजी है ना, मैं सारे स्टेप्स उन लोगों के लिए बता दूँ जो लोग लेजी है, इसमें कुछ भागा दौड़ी कुछ ऐसा कुछ करना नहीं है. आपको किचन में जाना है, एक स्लाइस कट करना है, फ्रिज में रखना है, थोड़ी देर बच जाइए और अपने आइस पे रख कर सो जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और रिलैक्स फील कीजिए. जिससे क्या होगा कि आप बॉडी तो आपकी रिलैक्स फील होगी, साथ में आपके डार्क सर्कल्स भी जाएंगे. नेक्स्ट जो मैं बताने वाली हूँ वो है, अगर आपके पास आलमंड ऑयल है ना, वो रोज रात को आप उसको 2 से 3 मिनट के लिए 2-3 बूंदे उसकी लीजिए और अपने आइस पे बहुत ही हल्के हाथों से रब कीजिए, उसकी मसाज कीजिए. यस, आलमंड ऑयल बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, जो कि आप अगर रेगुलरली करते हैं ना, तो बहुत जल्दी आप रिजल्ट पा सकते हैं. नेक्स्ट मैं उन लोगों को बताना चाहूंगी जो अल्कोहल बहुत ज्यादा लेते हैं या स्मोक करते हैं, तो प्लीज उसे कट कर दीजिए. जो लोग बहुत ज्यादा हैबिचुअल है ये सब लेने की, उन्हें आधा कर दीजिए, और जो कम लेते हैं उसे बिल्कुल ही खत्म कर दीजिए. जी हाँ, ये सब लेने से भी आपके डार्क सर्कल्स बढ़ते हैं, क्योंकि आप कुछ भी अच्छा तो ले नहीं रहे हैं. अल्कोहल और या फिर आप स्मोक करते हैं वो अच्छा तो है नहीं आपकी बॉडी के लिए. अगर आप ज्यादा करते हैं तो वो आपकी स्किन से आपकी जितनी भी नेचुरल ब्यूटी है उसको हटा देगा, तो प्लीज वो मत कीजिए, तो उसको बिल्कुल ही कट कर दीजिए. नेक्स्ट जो मैं बताने वाली वो है मॉइस्चराइजर. यस, 2 times आपको मॉइस्चराइज करना है और अपने आईज के पास, स्पेशली ये वाला एरिया, बिल्कुल लाइट हैंड से मसाज करना है थोड़ी देर के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए. तो मॉइस्चराइजर आपको लगाना है 2 times, ये भी फॉलो करना है.
नेक्स्ट जो मैं बताने वाली हूँ वो उन लोगों के लिए जो लोग फिटनेस से ज्यादा रिलेट करते हैं, वो मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करने से, मेडिटेट करने से आपकी डार्क सर्कल भी कम होते हैं, क्योंकि आपकी आईज को अगर रिलीफ मिलता है तो ऑब्वियसली डार्क सर्कल्स चले जाएंगे। लेकिन अगर हर टाइम आपकी आईज कुछ ना कुछ देख रही है, काम कर रही है, कुछ ना कुछ ऐसे लाइट के आगे खड़ी है, कुछ भी कर रही है, तो ऑब्वियसली उन्हें जब आराम ही नहीं मिलेगा तो कुछ तो उसके नुकसान होंगे ना। तो डार्क सर्कल को कम करने के लिए सबसे पहले तो आप मेडिटेशन भी लीजिए एंड एक्सरसाइज कीजिए। जो जिस चीज से आपको खुशी मिलती है वो भी कीजिए। गाइज, अगर इन सब ट्रीटमेंट से भी आपके डार्क सर्कल्स नहीं जाते हैं तो फिर आई थिंक यू शुड विजिट डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए और मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों की प्रॉब्लम सीरियस होती है। तो उन लोगों का ये जो घरेलू मैंने आपको उपाय बताए हैं वो ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों को एक बार डॉक्टर से विजिट करके कंसर्न कर लेना चाहिए कि क्या उन्हें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। That's all it guys. अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी होगी, और आई मस्ट से यूजफुल वीडियो है यार, मैक्सिमम 100 में से 80% लोगों को डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम होती है, एंड मैंने खुद ये फेस किया है अपने फ्रेंड्स के बीच में, उन लोगों को बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स रहे हैं, मैंने देखा है। That's all it guys. आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक माई वीडियो, और अगर आपको लगा होगा कि ये यूजफुल है वीडियो आपके लिए, ऑब्वियसली जो कि है, बट स्टिल अगर आपको लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय बाय।